टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। रखी गई थी, इसमें क्या कुछ निर्देश दिए गए? आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, और अभी परसों ईद का त्यौहार है, इसके संदर्भ में हमने शांति समिति की मीटिंग यहाँ पर आहूत की थी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर जो मीटिंग आहूत की थी, उसमें कुछ जनता से संवाद हुआ है। शांति समिति और प्रबुद्धजनों को यहाँ आमंत्रित किया गया था, और उसमें कुछ पुलिस ने अपने बिंदु बताए हैं क्या किन किन चीज़ों पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है, और समाज के लोगों का क्या दायित्व है, उसमें उनका रोल क्या, भूमिका किस प्रकार से अदा करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि कोई विशेष बात को लेकर पैनिक करते हैं, उस बात को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की, उसमें बताया सभी लोगों को कि आप समाज में राष्ट्रभक्ति के भाव से शांति समिति में बात किया करें, और साथ ही साथ में शांति समिति में हम लोग अभी बहुत जल्दी परिवर्तन भी करने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी यूथ लोग जो है वो शांति समिति में आते हैं, तो जो एक्टिव है उनको हम लोग यहाँ आमंत्रित करेंगे। और साथ ही साथ जो शांति समिति में अभी जो बिंदु जो बताए थे हमने, वो हमने 1930 का भी फोकस किया है कि जो साइबर फ्रॉड होते हैं, क्योंकि जब किसी भी प्रकार की समाज में विघ्न संतोषी वाली घटनाएं होती है, फेसबुक पे किसी भी प्रकार की वीडियो वायरल कर दी है या मैसेज वायरल कर दिया है, तो उसका किस प्रकार से दुरुपयोग होता है, इसको भी हमने जोड़कर बात की है, और लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे पहले शांति समिति के सदस्यों का सामने आना जरूरी है, और पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, और कोई भी कानून को हाथ में न ले, अन्यथा फिर पुलिस को जो कार्रवाई करना होती है फिर उस कार्रवाई का विरोध न करें, उसका प्रतिक्रिया न करें, पुलिस अपना पक्ष रखेगी। और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है क्या जो नगर पालिका का काम है वो फोकस करेंगे, एमपीपी का काम है उसको फोकस करेंगे, और एक अच्छे से समाज में व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे, और शांति समिति के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हम लोगों ने कवर करके। ईद को लेकर क्या कुछ सुरक्षा देंगे सर? ईद की सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और इस को लेकर हम लोगों ने बताया है कि समाज में जो अपराधी तत्व लोग हैं, जो विघ्न संतोषी है, जो इस प्रकार से ईद के इर्द गिर्द या पहले या बाद में या ईद के दिन किसी प्रकार की कोई घटना कारित कर देते हैं, उसके कारण समाज में अशांति बनी रहती है, ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया गया है, उनका फाइनल बॉन्ड और भी कराया, 1,00,000 रुपये का हमने 210 लोगों का फाइनल बॉन्ड और कराया है, वो स्पेशली हमने जो शांति व्यवस्था खराब करने वाले लोगों के खिलाफ किया है, उसका मैसेज शांति समिति में हमने दिया है, बताया लोगों को कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने बॉन्ड और बनाया है, और साथ ही साथ जो स्लॉटर हाउस वाली व्यवस्था है उसको हमने फोकस किया है, प्रॉपर मेडिकल हो और वहाँ पर कैमरे लगे हुए, और जहाँ गंतव्य स्थान है वहीं पर सारी व्यवस्था होना चाहिए, अन्य जगह किसी प्रकार की कोई भी कटिंग शटिंग या किसी प्रकार का काम नहीं होना चाहिए इस पर। टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।